नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका आप सबके लिए आज व्रत के दिनों में खाया जाने वाला फराली चिवड़ा लेकर आई हूँ, जिसे बहुत ही आसानी से मिनटों में हम घर पे बना सकते हैं। बनाकर आप इसे ठंडा करें और इसे 8 कंटेनर में महीने भर स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घर का बना हुआ फलारी चिवड़ा। व्रत में खाए जाने वाले इस फलारी चिवड़े के लिए मैंने यहाँ पे ये साबुदाना लिए हैं। ये फ्राई करने वाले साबुदाना होते हैं। खिचड़ी वाले साबुदाना का साइज छोटा होता है, वो एकदम अलग होते हैं। किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे आप जाकर बोलेंगे कि हमें फ्राई करने वाले तलने वाले साबुदाना चाहिए तो वे आपको दे देंगे। और इन्हें हम तेज तेल में हाई फ्लेम पर एकदम डबल साइज होने तक फ्राई करेंगे। ये फ्राई करते हुए काफ़ी आवाज़ करते हैं और तेल भी उछलता है, तो जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो इसे दूरी बनाकर रखें। और जब इनमें आवाज़ आना बंद हो जाए और आप देखेंगे ये पॉप भी होते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न होते हैं, तो ये पॉप होना बंद हो जाए तब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह सभी साबुदाना को तल लेंगे। हम सेकंड बैच में भी साबुदाना तलेंगे, उससे पहले भी आप तेल को वापस से गर्म कर लें, उसके बाद ही नेक्स्ट बैच को तलें। यदि आपने ठंडे तेल में इन साबुदाना को तला तो काफ़ी तेल पी जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसी तरह से हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। ये चिवड़ा मेरे बच्चों का फेवरेट है, उन्हें बहुत ही पसंद है, तो बिना व्रत के ही मैंने बनाकर एक डिब्बा भर के रख देती हूँ। वे इसे बहुत ही मज़े से खाते हैं। छोटी छोटी भूख के लिए बच्चों के लिए इस तरह से घर पर बने हुए स्नैक्स दें, वे मज़े से खुश होकर खाते हैं और आपको भी अच्छा लगता है कि बच्चे घर की बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं। तो इस तरह से हमने सभी साबुदाना को फ्राई कर लिया है। अब हम फ्लेम को लो पे कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फ्राई करना है काजू, तो इसे 30 सेकेंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें हमें यहाँ पे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, उसके लिए हम यहाँ पे इसे फ्राई कर रहे हैं। यदि आप इतना तेल नहीं चाहते हैं तो आप तेल थोड़ा कम कर दें, उसके बाद इन्हें रोस्ट करके भी आप इन्हें नमकीन यानी इस चिवड़े में डाल सकते हैं। और इस काजू को फ्राई करने के बाद में हम यहाँ पर बादाम भी फ्राई करेंगे। जैसा कि मैंने काजू के लिए कहा, आप काजू को जिस तरह से रोस्ट कर रहे हैं कम तेल में, उसी तरह से आप बादाम को भी कम से कम तेल में रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट करने के मतलब सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, और नट्स जब रोस्ट या फ्राई होते हैं तो इनका बहुत ही बढ़िया अरोमा आता है, बहुत क्रंची और नटी इनका टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे इन्हें फ्राई कर रही हूँ, और फ्राई करते ही इन्हें आप बाहर निकाल लें। ध्यान रखें इनका कलर चेंज ना होने पाए, कलर चेंज होते हैं इनमें एक हल्की सी कड़वाहट आ जाती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब हम यहाँ पर तलेंगे सूखे नारियल। इनको मैंने पतला पतला स्लाइसिस कट कर लिया था और इन्हें भी हम कुछ सेकेंड्स के लिए ही फ्राई करेंगे और कलर चेंज हुए बिना ही इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हम घर में व्रत में खाने वाला चिवड़ा आसानी से बना सकते हैं। ये सभी चीज़ें करीब करीब हमारे घर में रहती हैं, तो हम बहुत ही आसानी से कम समय में और कम से कम लागत में इन चीज़ों को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर फ्राई करेंगे किशमिश। किशमिश डालने से चिवड़े में जो एक खट्टा और मीठा टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया लगता है, और इसे खाने से बीच बीच में मैंने किशमिश आप देख सकते हैं कम ली है, क्योंकि बीच बीच में आप यदि किशमिश का टेस्ट आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि हम ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा से हमारा जो चिवड़ा है वह उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आप किशमिश को कम क्वांटिटी में डालें, किशमिश काफ़ी एनर्जेटिक रहती है। जब भी आप लो फील कर रहे हैं हमेशा 3 से 4 या 5 किशमिश खा लें, आपको एनर्जी आ जाएगी। तो हमारी सभी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं, अब हमें मखाना को रोस्ट करना है। तो हम तेल यहाँ पर निकाल लेंगे, क्योंकि मखाने में जितना भी तेल डालेंगे वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही बुरा टेस्ट आता है। तो कम से कम तेल में इन्हें हम रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम पर आप इन्हें क्रिस्पी होने तक 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लें, बहुत ही बढ़िया और अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इन लोटस सीड्स को डालकर यहाँ पर इसे और भी हेल्दी बना लेंगे। ये काफ़ी हेल्दी होते हैं और काफ़ी कैल्शियम होता है इनके अंदर, तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इवन बड़े भी इसे खाएँ तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। तो टी टाइम स्नैक्स में इस तरह की चीज़ें हम इंजॉय कर सकते हैं। सभी चीज़ें हमने फ्राई और रोस्ट कर ली हैं, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें ये काफ़ी गर्म है, तो इन्हें चम्मच से मिलाएं, और इसी टाइम हम इसमें सभी मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं सिट्रिक एसिड ले रही हूँ। मैं हमेशा घर की बने हुए स्नैक्स में ही डालती हूँ, उसे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। सिट्रिक एसिड यानी कि टार्टरिक को मैंने इस तरह से पीस लिया है, और इसे डालें बहुत कम क्वांटिटी में डालें, क्योंकि काफ़ी खट्टी होती है। साथ ही पिसी हुई चीनी डालें, सेंधा नमक डालें, काली मिर्च पाउडर डालें और इसे अच्छे से मिक्स करें। जब ये गर्म हो उसे तभी हमें ये सब चीज़ें मिला लेनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद में ये सभी मसाले जो भी हमने ये फ्राई किए उन पर नहीं चिपकेंगे, और जो हमारा चिवड़ा है वो फीका फीका सा लगेगा। तो सभी चीज़ों की तैयारी पहले कर लें, उसके बाद में इन्हें फ्राई करें और मिक्स करें। मैक्सिमम 10 मिनट में हमारा चिवड़ा बनके तैयार हो जाता है। इसे एकदम ठंडा करें, 8 कंटेनर में भरकर आप महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं। मेरे तो ये 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है। आप इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज़ को घर पर बनाएं, खाएं और अपने व्रत के दिनों को और भी एंजॉय करें।
इसी तरह की रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।